हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का यूज हम प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम जब हम क्रिएट करते हैं और स्टॉक आइटम क्रिएट के बाद जब हम उस स्टॉक आइटम की कोई यूनिट क्रिएट करते हैं तो उस यूनिट क्रिएशन की विंडो पर हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम जब हम कोई यूनिट क्रिएट करते हैं तो ये हमें यहाँ पर जीरो ही मिलता है। तो दोस्तों, आखिरकार इस जीरो का मतलब क्या है? अगर इसकी जिक्र हम वन करें, टू करें या थ्री करें तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो दोस्तों, ये सारी बातें हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं कि हमें कौन सी सिंबल के साथ, यानी कि कौन सी यूनिट के साथ हमें जीरो रखना होता है, कौन सी यूनिट के साथ टू और कौन सी यूनिट के साथ में थ्री नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का यूज करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूजर हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम कोर्स सीख रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने एक्सेल में ये दो स्टॉक आइटम बनाई है, इससे हमारा सारे जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए हमने एक्सेल में दो स्टॉक आइटम लिए, टी और शुगर। तो दोस्तों, आप देख रहे हो हमने टी क्वांटिटी के अंदर हमने डाला हुआ है 1.300, यानी कि 1.300 यूनिट है इसकी केजी की। तो अब इसको हम क्या समझेंगे, भी ये 1 किलो और 300 ग्राम है और ये जो प्राइस है वो पर केजी का है और ये जो अमाउंट बनी है ये टोटल 1.300 केजी की बनी है, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम की जो टोटल अमाउंट है वो 58 रुपये और 50 पैसे की बनी है। इसी तरीके से सेकंड आइटम शुगर है, क्वांटिटी आप देख रहे हो 2.20, यानी कि 2.20 और यूनिट इसकी है क्विंटल में। तो इसको हम समझेंगे 2 क्विंटल 20 किलो और इसका जो प्राइस है वो 4500 रुपये पर केजी का है। तो उसकी हम टोटल अमाउंट की बात करें तो 9900 रुपये, यानी कि 2.2 क्विंटल और 20 किलो की जो टोटल अमाउंट बनेगी वो 9900 रुपये बनेगी। तो दोस्तों, अब डेसिमल का मतलब हो गया भी आपका ये जो डॉट का जो निशान लगा है ये कितने डिजिट छोड़ के आपने लगाया है। तो अगर हम केजी की बात करें तो केजी के साथ हमारा किलोग्राम भी चलता है, तो जैसे कि हम 1.300, 1.500, 1.999 तक हम ग्राम का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता भी 1.1000 ग्राम वो 2 किलो में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें जो यहाँ पर डॉट लगा वो 3 डिजिट छोड़ के लगाया है और क्विंटल की बात करें तो क्विंटल में हमने यहाँ पर ये जो डॉट लगाया ये 2 डिजिट के बाद में लगाया है। दो कौन सा, एक तो 0 और 1 2, यानी कि 2 डिजिट हो गए और 3 डिजिट में 1 0 2 दूसरी 0 और ये 3, यानी कि 3 डिजिट के बाद में ये डॉट लगा हुआ है। अब इस एग्जांपल को हम समझते हैं टेली सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर रखी है उसको देखते हैं, स्टॉक आइटम पर चलते हैं और ये 3 स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करी भी है, शुगर, टाटा साल्ट और टी। और सबसे पहले हम जो एक्सेल के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो दोस्तों, हमने कोई भी ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं करी है, न तो कोई परचेज है न कोई सेल है। तो एक बार इन आइटम को हम परचेज करके देखते हैं। तो वाउचर पे हम जाएंगे और परचेज के लिए हम F9 यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम सप्लायर का इन्वॉइस नंबर वगैरह डालते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में जैसा कि हमारे पास फर्स्ट आइटम है टी, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। टी को हमने सेलेक्ट किया और एक्सेल के अकॉर्डिंग हम डालते हैं यहाँ पे 1.300, तो 1.300 इंटरप्रेस किया। तो आप देख रहे हो जैसे हमने 1.300 किया लेकिन इंटरप्रेस करते इसने एक के जो ही रखिया, जो 1.300 इसको पूरा डिस्प्ले यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? और इसी तरीके से अगर हम इस आइटम को हटा दें और सेकेंड आइटम लेते हैं हम शुगर, और जो शुगर हमारे पास है 2.20, तो 2.20 है, इंटरप्रेस करते हैं तो आप देख रहे हो जैसे हमने 2.20 प्रेस करके इंटरप्रेस किया तो इसने केवल 2 क्विंटल ही दिखाया है।
2.20 पूरा इसने डिस्प्ले नहीं किया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? यही होता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस की सेटिंग करना, क्योंकि जब हमने इसकी यूनिट क्रिएट करी थी क्विंटल की, तो क्विंटल का यूनिट हमने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में हमने क्या दिया था, और जब हमने केजी की यूनिट जो सिलेक्ट करी थी उसके दौरान हमने क्या दिया, जैसा कि 1.300 अगर हम करते हैं तो 1 kg ही जा रहा है, 307 में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको हम करते हैं डेसिमल प्लेस में जाके चेंजिंग, भी गलती हमारे से कहाँ होगी। अल्टर पे चलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे यूनिट पे, और यूनिट पे हम चलेंगे केजी। तो दोस्तों आप देख रहे हो जैसे हमने यहाँ पर यूनिट क्रिएट करी थी केजी की, यूनिट क्वांटिटी कोड यानी कि यूकेसी हमने बिल्कुल सही दे दिया केजीस का, लेकिन नंबर ऑफ डेसिमल जो प्लेस है वो इसको हमने 0 ही रख दिया, जबकि हमें चाहिए केजी की कंडीशन में कितना, 3। जैसा कि एक्सेल में अभी हमने समझा इस चीज़ को भी 1.300, ये जो डॉट लगा है वो 3 digit के बाद में लगा है। तो केजी की कंडीशन के अंदर ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रहता है 3। इसी तरीके से फिर क्विंटल में रह जाएगा हमारे पास है, जो क्विंटल की जो डेसिमल है वो 2। तो क्विंटल की कंडीशन में हम रखेंगे यहाँ पर 2, एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद सेम वापस हम परचेज वाउचर पे चलते हैं, और स्टॉक आइटम को एक बार रिपीट हम करते हैं। सबसे पहला TM लेते हैं 1.300। तो अब आप देख रहे हो जैसे हमने 1.300 लिखा तो ये 1.300 kg ऑटोमेटिक आ गया। अब हम रेट यहाँ पर डाल के देखते हैं, जैसे कि 45 पर केजी का रेट है तो यहाँ पे हमने डाला 45, तो आप देख रहे हो 58 रुपये और 50 पैसे इसने वैल्यू बना दी, और वही हमारे पास यहाँ पर एक्सेल में भी थी। अगर इसको हम 1.6 करें यानी कि 1 kg 600 g करें तो इसकी 72 रुपये अमाउंट बनती है, और यहाँ पर भी अगर हम 1.600 करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 72 रुपये बन रही है, यानी कि केजी की कंडीशन में हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है जो 3 रखना होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड आइटम है उसको हम यूज़ करके देखते हैं, इसको हम एक बार हटा देते हैं, और उसके बाद में शुगर। अब शुगर की जो क्वांटिटी थी 2.20, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये भी 2.20 क्विंटल लिखा गया, और यहाँ पर क्विंटल का जो रेट था वो 4500 रुपये था। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 4500 तो टोटल आप वैल्यू देख रहे हो 9900 रुपये इसकी बन गई, और ये वैल्यू हमारे पास एक्सेल में भी 9900 रुपये की आ गई। अगर इसकी क्वांटिटी हम चेंज करते हैं, 2.30 करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 10,350 रुपये की, 2.30 क्विंटल की। तो अगर हम इसको करते हैं 2.30, तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 10,350 रुपये की है। तो दोस्तों नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का यूज़ हमें हमारी जो यूनिट है उसी के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, केजी की कंडीशन में 3, क्विंटल की कंडीशन में 2। अगर आपका कोई प्रोडक्ट पीस पे चलता है, 1 piece 2 piece 3 piece, यानी कि उसके साथ कोई आप डेसिमल के बाद में कोई डिजिट यूज़ नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वो 0 ही रहता है। जैसा कि हमने एक स्टॉक आइटम अलग से क्रिएट करी भी है इसके अंदर, अल्टर पे चलते हैं, स्टॉक आइटम पर चलते हैं, और टाटा साल्ट। अब ये जो टाटा साल्ट है हम 1 packet 2 packet के अकॉर्डिंग बेचते हैं, तो जब हमने पैकेट की यूनिट जब हमने क्रिएट करी थी यहाँ पर, तो इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये 0 ही रखा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता भी आपका 1.2 packet 1.5 packet, ये 1 packet बिकेगा, 2 बिकेगा, 3 या 4, इसी तरीके यानी कि सीरीज के अकॉर्डिंग ही सेल होता रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की जो यूनिट क्रिएशन के दौरान जब हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का जो यूज है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।